हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 16 जुलाई 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो देखते हैं आज की वर्कशीट का विषय। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है हमारा राज्य सरकार का गठन। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। जैसे कि आपने पिछले कक्षा में पढ़ा है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, तो हमें पता है कि भारत के हर एक राज्य में एक विधानसभा होती है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि हर एक स्टेट में क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसको हम जो कि विधायक बनता है। चुनाव के लोग अलग अलग पार्टियों की ओर से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। तो हर एक पार्टी से अलग अलग विधायक खड़े होते हैं हर एक निर्वाचन क्षेत्र में। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, ठीक है, जैसे पूरे स्टेट में मान लो 52 निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो कोई भी राजनीतिक दल जिसके विधायक क्या आधे से अधिक, मतलब 52 है मान लो, तो 26 से ज़्यादा जिसको निर्वाचन क्षेत्र में विजय मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है वहाँ का, तो उस राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी विरोधी दल पक्ष वाला कहा जाता है। तो जिस पार्टी के विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र में आधे से ज़्यादा सीट मिलती है, मतलब आधे से ज़्यादा जहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र में जीतते हैं, तो वो वाली पार्टी क्या बन जाती है, सत्ता पक्ष में आती है, और दूसरी वाली पार्टी वो विपक्ष पक्ष में कहलाती है। तो आगे है नीचे हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017 के 68 निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये क्या बच्चे हिमाचल प्रदेश का है, 2017 के इलेक्शन का रिजल्ट दिखाया गया है यहाँ पे, और कुल निर्वाचन क्षेत्र के नेता बच्चों इसमें 68। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यानी कि बीजेपी को 44 विधायक चुने गए उसके, और इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के 22 निर्वाचन क्षेत्र में विजय मिली, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सिस्ट उसको एक निर्वाचन क्षेत्र में विजय मिली, और जो निर्दलीय थे जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे वो दो निर्वाचन क्षेत्र में विजयी हुए। तो आगे देखते हैं इसके हम। तो क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, बहुमत प्राप्त करने वाले किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम कितने चुने हुए सदस्यों या विधायकों की आवश्यकता होती है। तो आंसर इसका बच्चों हमारे पास, आंसर इसका बहुमत प्राप्त करने के लिए निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में होनी चाहिए, तो आधे से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपरोक्त में से कौन सा दल राज्य सरकार का गठन करेगा अथवा सरकार बनाएगी। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल सीट कितनी है 68, तो हाफ कितना हो गया बच्चे उसका 34। तो 34 से ज़्यादा किसको मिल रहा है बच्चा, ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र ये मेरे बच्चों भारतीय जनता पार्टी को। तो आप इसका आंसर लिखेंगे भारतीय जनता पार्टी। आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, उपरोक्त दलों में से कौन सा दल विरोधी दल कहलाएंगे। तो विरोधी दल कौन बनता है, जो विजय नहीं होता और जिसको विजय दल से कम वोट मिलते हैं, कम निर्वाचन क्षेत्र मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों आपका इंडियन कम्युनिस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट है, तो आपका ये पूरा हो गया। आगे देखते हैं इसमें हम, राज्य सरकार केवल अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्य को ही देखती है, जैसे कि राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पीने का पानी, बिजली आदि। तो राज्य सरकार के बारे में बताया गया कि जो राज्य सरकार होती है वो सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पीने की पानी और बिजली आदि को देखती है, वही चीज़ इसके अंडर में आती है। भारत की में कुल 28 राज्य और 3 केंद्रशासित प्रदेश है जिनकी अपनी विधानसभा है। तो ठीक है, तो भारत में 28 ऐसे राज्य हैं जिनकी अपनी विधानसभा है और 3 केंद्रशासित प्रदेश है जिनकी अपनी विधानसभा है। तो आपको करना क्या है, 3 ऐसे केंद्रशासित प्रदेश के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा है जिनकी अपनी विधानसभा है। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ आपको, मतलब आपको सर्च करके इसमें कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट है, ऐसे कार्य जिनका असर ये दो वाले का जिन ऐसे कार्य जिनका असर पूरे देश पर पड़ता है, जैसे पूरे देश सीमाओं की सुरक्षा, रेल व्यवस्था, संचार, बैंक इत्यादि, ऐसे कार्यों को केंद्र सरकार देखती है। जिससे क्या हमारे देश की जो सीमा है, जैसे अलग अलग पड़ोसी देशों से लगती है, वो सिर्फ केंद्र सरकार देखती है।
रेल की व्यवस्था जो पूरे देश में घूमती है रेल, वो भी कौन देखती है? केंद्र सरकार देखती है। बैंक, ठीक है, संचार यानी कि जो आपका टेलीकम्युनिकेशन है मोबाइल से रिलेटेड, वो भी केंद्र सरकार ही देखती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गई बच्चों पूरी वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें बच्चों, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।